चोर 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 क्या रे? बोल कहां से मिला तुझे ये सोने का सिक्का? सब जाने दो ना, आधा आधा कर लेते ना सब। आधा सर कहां से मिला तुमको ये? वो बस स्टॉप के पास बसती है ना सब, उधर से एक आदमी का पॉकेट मारा साहब, उसके अंदर से मिला साहब। क्या तुम जानते हो कि यह सिक्का उसी सोने का हिस्सा जो बैंक से लूटा गया था? साहब मैं आपको वहां लेके जा सकता हूँ साहब। चल। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक के इस खास एपिसोड में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने बेहतर भविष्य के लिए चार पैसे कौन नहीं बचाता? सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए रुपयों की बचत भला कौन नहीं करता? पाई पाई जोड़कर आज के सपनों को कल जमीन पर उतारना भला कौन नहीं चाहता? लगभग हम सब लोग एक बेहतर कल के लिए पैसे बचाने की कोशिश जरूर करते हैं, कम या ज्यादा ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक पल के लिए जरा ये सोचे कि आपकी मेहनत की वही गाढ़ी कमाई अगर एक पल में हवा हो जाए तो सोचकर ही डर लगता है ना। अब जरा यूपी के शहर कानपुर में रहने वाले उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कानपुर के एक प्रतिष्ठित बैंक में जमा सैकड़ों की गाढ़ी कमाई पलक झपकते ही हवा हो गई। जी हाँ, लुटेरों ने बैंक पर धावा बोला और करीब 9 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। पूरे कानपुर को हिला कर रख देने वाली वही वारदात आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें लुटेरों ने बैंक से करीब 10 किलो सोना उड़ाया और एक दिन इत्तफाकन पुलिस के हाथों वो सोने का सिक्का लगा जो कि लूट का था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो सोने का सिक्का आखिर एक शराबी के पास कैसे पहुंचा? क्या है ना, हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा जमा करके ये सोना अपनी नातिन के लिए बनाया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका सोना हमारी बैंक में सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। आप यहां साइन करें। ये आपका रिसीट। नमस्ते। धन्यवाद। दुबे जी, आप चल रहे हैं हमारे साथ खाना खाने? नहीं मिश्रा जी, आप चलिए, हम हमारा टिफिन लेकर आए हैं, हमारी कैबिन में बैठकर खाएंगे। ठीक है जी, चलिए। Right!
ये मिश्रा जी की गाड़ी है, वो तो हमारा जान ले लेंगे। ऐसे कैसे कोई ठोक कर चला गया मेरी गाड़ी को, तुम्हें पता तक नहीं चला? साहब हमको भी समझ में नहीं आया, इतना अचानक हो गया। अरे गन लेके खड़े रहते हो, ड्यूटी करते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता? हाँ अजीब बात करते हो। लगता है लंच ब्रेक जल्दी खत्म हो गया। हाँ चलो चलो चलो। पता नहीं कौन हमारा स्कूटर तोड़ के चला गया, कहीं मिल गया तो उसका हाथ पांव नहीं तोड़ दिया तो देखना। आप सही कर रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे 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 आप लोग अंदर कैसे चले आए भाई, अभी लंच ब्रेक खत्म नहीं हुआ है। मैं दुबे जी को बोल के आता हूँ कि हमारे स्कूटर को किसी ने ठोक दिया है। जी जी। अरे भाई जाने दीजिए ना, टाइम हो गया ना अभी। दुबे जी सारो चारों तरफ देखो, तुम लोग उधर जाके देखो, तुम लोग वहां देखो, जल्दी से देखो, सब कुछ चेक करो। मैंने देखा उसे बाइक पर भागते हुए, एक आदमी था पर मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। बाइक का नंबर याद है? नहीं साहब, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं उस गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया साहब। इंस्पेक्टर साहब, कुछ 10 किलो सोना होगा, सोना और कैश मिला के 9 करोड़ का माल होगा। आप कह रहे थे कि वो 2 आदमी थे? जी सर, 2 आदमी थे। और तुम कह रहे थे कि तुमने बाइक पर एक आदमी को देखा? जी सर। सर। हाँ बोलो पांडे। सर मीटर बॉक्स के पास से कुछ कटे हुए वायर्स मिले हैं, सीसीटीवी और टेलीफोन के वायर कटे हुए हैं। सर वॉशरूम से ये कपड़े, मंकी मास्क और ग्लव्स मिले, और ये गन भी जो फ्लश टैंक के पीछे छिपाई गई।
इसका मतलब है कि वो जो कोई भी था उसने जल्दबाजी में अपने कपड़े भी बदले। मैनेजर साहब कह रहे थे कि वो दो आदमी थे और इसने एक आदमी को बाइक पर भागते थे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि वो आदमी इनमें से भी शायद कोई एक हो सकता है। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। एक एक करके सारे लोग इन कपड़ों को ट्राई करेंगे। देखे तो सही इसकी फिटिंग किससे मैच करती है। लीजिए। कहां पहनूं सर? इन्हीं कपड़ों के ऊपर पहनिए। निकाल दीजिए। ये क्या बात हुई? मतलब जस्ट बिकॉज ये शर्ट मुझे फिट आ रही है इसका मतलब है कि मैंने चोरी की है? मैं लुटेरा हूँ ये कहना चाहते हैं आप? हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि वो लुटेरा तुम चारों में से कोई एक है। सर इन सब की डिटेल्स ले लो। क्या नाम है? वीरेंद्र कपाड़िया। जिमी यादव। आतिफ इस्माइल। ऋषि रॉय। ऋषि रॉय। ले चलो इनको। अरे ऐसा कैसे ले चलो सर? मेरी दुकान पर कोई नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा सर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? हम तुम चारों को अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट? सर ले चलो। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर सर सर। अरे दो लड़कों ने बंदूक के दम पर दिन दहाड़े एक बैंक में करोड़ों की लूट को अंजाम दे डाला। इस वारदात को देखकर यह साफ जाहिर था कि लुटेरों ने इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने कानपुर पुलिस को खुली चुनौती दी थी, लिहाजा कानपुर पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द क्रैक करने का दबाव था। मौकाए वारदात पर पहुंचे जांच अधिकारी आचार्य ने शक के घेरे में आए चारों लड़कों को हिरासत में तो ले लिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें उन लड़कों को छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस ने उन चारों लड़कों पर अपनी नजर बनाए रखी ताकि उनकी एक भी हरकत कानून की नजर से बच ना पाए। सर यह है ऋषि रॉय। इसकी उम्र 29 साल। अपने माता पिता के साथ रहता है। माँ प्लीज 200 रुपए देना, बाइक में पेट्रोल बनाना है। क्यों चाहिए तुझे रोज इतने सारे पैसे? क्या करता है तू? तेरी सारी कमाई कहाँ चली जाती है? कुछ पैसे घर में भी दे दिया कर। माँ अगले महीने से सारे पैसे आपके हाथ में रखूंगा, प्रॉमिस। तू भी ना। ठीक है लाती हूँ। कॉल सेंटर में काम करता है। 15 से 20 हजार इसकी तनख्वाह होगी। सुबह 10 से 6 काम करने के बाद 8 बजे घर लौट जाता है। और भाई साहब 6 से 8 बजे तक कहाँ रहते हैं? अक्सर नॉर्मल यंगस्टर की तरह जीता है। दोस्त है, एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन एक चीज गड़बड़ है इसकी।
तो इसका मतलब ये क्लेप्टोमैनियाक है। मतलब सर? मतलब ये कि ऐसे लोगों को चोरी करने की आदत होती है, बिना किसी वजह के, बिना किसी जरूरत के, ऐसे लोग बस चोरी करते हैं। सर इसका मतलब कि ये वही है जिसने बैंक लूटा होगा। हो सकता है। पर नेक्स्ट देखो, ये है वीरेंद्र कपट, ये सेल्समैन का काम करता है, उम्र 28 साल, लगभग 12,000 तनख्वाह है और कमीशन में 4-5,000 कमा लेता है। इसे जुए की खतरनाक लत है, ये अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह उड़ा देता है लॉटरी खेलने में। अरे क्यों कर रहा है ऐसा तू? आज फिर तनख्वाह के सारे पैसे उड़ा दिए ना? अरे यार एक काम कर तू, कुछ पैसे उधार दे दे। चुकाएगा कैसे? लॉटरी खेल के। रोज का रोज तू पैसे बर्बाद करता है इन लॉटरी के चक्कर में। देख तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे इसे। अरे किस्मत बदलते देर नहीं लगती यार, एक दिन मेरा भी दिन आएगा। अब चल तू पैसे निकल, चल। भगवान जाने तेरे दिन कब आएंगे। ना नहीं यार, आखिरी बार दे रहा हूँ। ठीक है, ला ला ला। यानी कि आसानी से पैसा कमाने का शौक है ना? और ये भी सुना है कि इसने लॉटरी वालों की तरह और भी बहुत लोगों से उधार ले रखा है। इसके घर में कौन कौन है? इसकी बीवी है। आसपास पड़ोस वालों से पता किया तो पता चला कि इन दोनों के बीच लगभग रोज ही झगड़ा होता है। सर ये वीरेंद्र कबाड़िया बहुत चालू है, मुझे लगता है बैंक किसी ने लूटा होगा। हो सकता है। इसके पास चोरी करने के दो कारण, मजबूरी और जरूरत। सर नेक्स्ट देखो। सर ये है जिमी यादव, बहुत महंगे शौक है इसके, एक साथ 3-4 गर्लफ्रेंडों को घुमाता है, फिल्मों में हीरो बनना चाहता है। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं सर, आपकी फिल्म में कौन काम नहीं करना चाहेगा। जरूर सर, जरूर मिलते हैं। बाय सर। चौरसा जी एक पान तो लगा दीजिए। क्या बात है जिमी भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई फिल्म की बात चल रही है। अरे वाह बहुत बढ़िया, तनिक हीरो बन जाओ तो हमें भी याद रखना। ऑफ कोर्स चौरसा जी, कैसी बात कर रहे हैं, आपको कैसे भूलूंगा। चलता हूँ। और ये यहाँ पढ़ाई के लिए आया है, इसके सारे खर्चे के पैसे घर से आते हैं और जब वो खत्म हो जाते हैं तो अपने दोस्तों से उधार ले लेता है। कार्ड भी वैलिड नहीं है। हाय जिमी। हाय गीता, लॉन्ग टाइम। अच्छा सुन ना, तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? वो क्या है ना कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है। हाँ कैश तो है। वेरी गुड, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। थैंक्स, चल चलते। सर इसके अकाउंट में कभी पैसे नहीं रहते, लेकिन शौक बहुत बड़े बड़े हैं। 3 लाख रुपए दोस्तों से उधार लिया है और क्रेडिट कार्ड पर लगभग 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग पेमेंट बाकी है। इन जिमी यादव जैसे लोगों के लिए अपनी इमेज ही सब कुछ होती है, और अपने उस झूठे दिखावे को बनाए रखने के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। लुटेरा ये भी हो सकता है। सर मुझे लगता है ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है, क्योंकि तीनों लोगों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद हम असली मुजरिम पर हाथ नहीं रख पा रहे। चौथा देखो। चौथे सस्पेक्ट के बारे में सुनकर मेरा दिमाग तो और बौखला गया। आतिफ इस्माइल, उम्र 35 साल, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है जो अक्सर बीमार रहती है। अम्मी, 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 पानी पी लो पानी। आराम से आराम से आराम से आराम से अम्मी। इससे अब्बा से इसके पोल्ट्री फार्म इसको विरासत में मिला है और साथ साथ ढेर सारा कर्जा भी। आए दिन लेनदार इसके घर आया करते हैं। पैसे ना मिलने पर
गाली देकर चले जाते हैं, और अगर इसने 6 महीने में कर्जा ना चुकाया तो इसका पॉलिट्री फॉर्म बिक जाएगा और शायद घर भी। इसके खिलाफ तो पहले भी 2-3 बार पुलिस कंप्लेंट आ चुकी है ना? हाँ सर, ये 2-3 बार चोरी के केस में पकड़ा जा चुका है। और ताजुब की बात यह है सर, इसने जितनी भी पहले चोरियां की वो बहुत छोटी थी, जैसे कि इसने पड़ोस के घर से 500 रुपये चुराए थे, और दूसरी चोरी इसने किसी दूर के रिश्तेदार जो इसके चचा लगते हैं उनकी जेब से ये 1000 रुपये गायब कर दिया था। और सुना है सर, दोनों चोरी में ये बहुत पिटा है। इन चारों में से कोई भी लुटेरा हो सकता है, लेकिन शक की सुई अगर किसी पर जाकर अटकती है तो वो है ये आतिफ इस्माइल। ले आओ तो जरा इसे थाने में, बात करते हैं। सर मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं, मजबूरी ने मुझसे कुछ छोटे मोटे अपराध करवाए हैं, लेकिन इन सब की वजह मेरी माली हालत थी साहब, और मेरी बूढ़ी माँ की नासाज तबीयत। उस दिन बैंक में क्या कर रहे थे? बैंक में मैं लोन लेने गया था साहब। हेलो? नहीं, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं था। कभी कभी बुरी माली हालत की वजह से इंसान बुरे कर्म भी कर बैठता। हम तुमसे बहुत फ्रेंकली बात करें जनाब, हमारी शक की सुई तुम पर आकर अटक गई। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ साहब, मैं कोई लुटेरा नहीं। देखो, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वार्निंग जरूर दे रहा हूँ, हम इस केस को सुलझाने के बहुत करीब हैं, समझ गए? जी। जाने दो इसे, बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के सब आपके केबिन में। तीसरा कहाँ है? सर पांडे जी उनको देखने के लिए गए हैं। सर वीरेन कपाड़िया का कुछ पता नहीं चला है, ना घर में ना ऑफिस में। क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसकी निगरानी कौन कर रहा था? हम ही कर रहे थे सर। अगर निगरानी कर रहे थे तो फिर वो गायब कैसे हो गया? तुम लोग जा सकते हो। जी सर। मुझे वीरेंद्र कपाड़िया की पूरी जानकारी चाहिए, वो भी अभी के अभी। उसकी बीवी कहाँ है? वो भी घर पे नहीं है सर। तो फिर तुम निगरानी किसकी कर रहे थे? वीरेंद्र कपाड़िया मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए कल सुबह तक, समझ में आया? ओके सर। आतिफ, ऋषि, वीरेंद्र और जिम्मी, ये वो चार लोग थे जो पुलिस की रिडार में थे, और चारों के पास लूट का वाजिब कारण भी नजर आ रहा था। लेकिन शक को जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है, इसीलिए पुलिस अपने शक को पुख्ता करने में जुटी थी। चारों की जिंदगी से जुड़े हर पहलू को खंगालने के बाद अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। जिम्मी, आतिफ और ऋषि तो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, लेकिन वीरेंद्र का कोई अता पता नहीं था। वीरेंद्र गायब हो चुका था। जाहिर है कि ऐसे में पुलिस को वीरेंद्र की सबसे ज्यादा तलाश थी। हर मुमकिन जगह पर दिन और रात ढूंढने के बाद भी वीरेंद्र पुलिस के हाथ नहीं आया। आखिर कहां था वीरेंद्र? क्या खबर? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हमने दिल्ली और आगरा के आसपास के हर पुलिस स्टेशनों में उसकी तस्वीर भेज दी। और कोई खबर? नहीं, खबर यह है कि ऋषि ने एक बाइक खरीदी जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपये। अरे आओ ऋषि, आओ भाई। क्या बात है? नई बाइक लिया? एवरेज कितना देती है सर? वो क्या, छोड़ो, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। इस बाइक को लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? लोन पर लिया सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर। फाइनेंस बैंक? जी सर। गुड, ठीक है, तुम जा सकते। थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर, वीरेंद्र की बीवी का पता चल गया है। गुड, वेरी गुड। तुम मुझे एड्रेस भेजो, यहाँ से हम सीधा वहीं पहुँचते हैं। ओके, चलो। जब भी कोई हस्बैंड घर में पैसे ना दे और ज्यादा बाहर रहे, तो किसी भी पत्नी को सबसे पहले यही शक होता है कि उसका चक्कर किसी औरत के साथ है।
इन्हीं सब शक की वजह से मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे अलग हो जाऊंगी। मुझे तो इस बात की भी भनक नहीं थी। वो जुआरी है। इतने दिनों में उन्होंने आपको फोन तो किया ही हो। इस नंबर से। सर, वीरेंद्र इसी इलाके से फोन कर रहा था। हाँ बोलो। क्या वीरेंद्र पुलिस स्टेशन में? सर मुझे बचा लीजिए। सर मैं जानता हूं कि आपने मुझे मना किया था, लेकिन सर मैं क्या करता? अगर उन लोग के पैसे नहीं लौटाए तो सर वो लोग मुझे मरवा डालेंगे। सर प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। सर प्लीज सर प्लीज। तहकीकात के सभी रास्ते बंद होते जा रहे थे और अभी भी पुलिस गुनहगार से बहुत दूर थी। इन सभी के पास इस गुनाह को अंजाम देने की अपनी अपनी वजह थी और इसीलिए ये केस हर कदम पर और भी पेचीदा होता जा रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और हर गुजरते पल के साथ जांच अधिकारी आचार्य पर इस केस का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो इतना तो जान चुके थे कि लुटेरा इन चारों में से ही कोई एक है, पर वो एक चेहरा अब तक बेनकाब नहीं हो पाया था। ऐसे में जांच अधिकारी का शक उस लड़के पर गया जो अब तक चुपचाप बैठा था, और वो लड़का था जिमी यादव। इन चारों में से जो भी असली मुजरिम है वो तब तो कोई हरकत नहीं करेगा जब तक कि मामला ठंडा ना हो जाए। सर जौहरियों से भी कोई चोरी का सोना बेचने की खबर नहीं आई है। लेकिन इनमें से एक आदमी ऐसा है जो कुछ ज्यादा ही शांत बैठा हुआ है, जिमी यादव। रूटीन पर काम कर रहे हैं सिवाय इस जिमी को छोड़कर। मुझे लगता है ये जानबूझकर कुछ ज्यादा ही शांत बैठा हुआ है ताकि हम लोगों को उसके ऊपर शक ना हो। लड़का सारा दिन करता क्या है? ना तो किसी कॉलेज में जाता है, ना कोई नौकरी करता है। एक काम करो, जाकर उसे अरेस्ट कर लो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। ये आचार्य साहब को आजकल क्या हो गया? तू समझा नहीं, बकरे को हलाल करने से पहले खिला पिला रहे। बहुत ही उलझे इस केस को सुलझाने के लिए जांच अधिकारी आचार्य ने एक नई तरकीब सोची, पर वो नई तरकीब क्या थी इस बात का अंदाजा उनके साथी तक को नहीं था। सर ये उन जौहरियों के नाम हैं जो चोरी का सोना और जेवरात खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं। इन सब जौहरियों पे नजर रखो, इनके फोन टैप करो और मुझे एक एक मिनट की खबर करते रहो। ठीक है सर। लेकिन सर। लेकिन क्या? जिमी का क्या करना है? उसे खिलाओ पिलाओ। वो लुटेरा नहीं, वो चोर नहीं, बोर है, एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसे मेहनत नहीं करनी है, आलसी है। हमने उसे यहां इसलिए रखा है ताकि असली मुजरिम तक ये बात पहुंच जाए कि मामला ठंडा हो। कल के अखबार में पढ़ ले। ये थी जांच अधिकारी आचार्य की नई तरकीब। वो जानते थे कि जब तक असली मुजरिम कोई हरकत नहीं करता तब तक उसका पकड़ा जाना बेहद मुश्किल है। जांच अधिकारी भुवन आचार्य का ये मास्टर प्लान एकदम सही निशाने पर लगा और अब कामयाबी बस कुछ ही कदम पर थी। राम राम भैया, हसमुख बोल रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ? हसमुख ज्वेलर किसी से बात कर रहा है?
जी ओके थैंक यू। पर हाँ अगर इसके बाद भी किसी का फोन आए तो हमें तुरंत खबर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू। इस एड्रेस पे तुरंत फोर्स लेके पहुंचो और वहां जो कोई इंसान हंसमुख से मिलने के लिए आए उसे तुरंत धर लो। यस सर। सर भुवन आचार्य अब मुजरिम के बहुत करीब आ चुके थे। अब बस एक ही काम बाकी था, मुजरिम और हसमुख जौहरी को सोने और पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ना। जहां आचार्य एक तरफ मुजरिम को पकड़ने में इतनी मेहनत कर रहे थे, वहीं किस्मत ने भी उनका साथ दिया और एक दिन लूट से जुड़ा दूसरा सुराग उनके हाथ लगा। चोर 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 क्या रे? कहां से मिला तुमको ये? वो बस स्टॉप के पास बसती है ना साहब, उधर से एक आदमी का पॉकेट मारा साहब, उसके अंदर से मिला साहब। क्या तुम जानते हो कि ये सिक्का उसी सोने का हिस्सा है जो बैंक से लूटा गया था? साहब मैं आपको वहां लेके जा सकता हूँ। चल 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 आजा बता कहाँ है बता। सब यही वो जगह थी जहाँ मैंने बटुआ फेंका था सब। अगर यहाँ नहीं हुआ तो? सब सच बोल रहा हूँ सब, यही वो जगह थी सब। इंस्पेक्टर आचार्य इस पॉकेट मार के साथ इस डकैती की कड़ियाँ जोड़ रहे थे और वहाँ उनकी टीम हसमुख जौहरी और उसके कांटेक्ट पर धावा बोल रही थी। अच्छा म्युनिसिपैलिटी वालों ने ये डिब्बा अभी तक साफ नहीं किया साहब, यही वो बटुआ है साहब। विक्रम शर्मा समझ में नहीं आ रहा, 8 बजे मिलने का टाइम दिया था, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। अरे क्या चाहते आप लोग? विक्रम शर्मा यहाँ? किसी का फोन आया उसे, लगता है उसी का फोन होगा। कंट्रोल रूम, कमेंट कंट्रोल रूम। हसमुख आगे बढ़ रहा है, ध्यान से उसका पीछा करो, उसको शक नहीं होना चाहिए। मुझे वो सोने का सिक्का एक शराबी के पास से मिला था साहब। कहाँ से मिला था? लाल चौक के पास पड़ा हुआ था साहब वो शराबी। चल दिखा दिखा चल चल। सर कंट्रोल रूम से कंफर्म हुआ है ये उसी का कॉल है, शायद उसने उसे किसी सेफ जगह पे बुलाया। ध्यान से नजर ना हटे क्योंकि उससे जो कोई भी मिलने आ रहा है वही हमारा मजरिम है। साहब वो शराबी बुड्ढा मुझे यही दिखा था, वो सिक्का भी उसी के पास गिरा हुआ था साहब। क्या हुआ साहब? हम लोग एक बूढ़े शराबी को ढूंढ रहे हैं जिसके पास से हमें सोने का सिक्का मिला था। हाँ साहब, एक बूढ़े आदमी को तो मैंने देखा था जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी थी और बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे सर उसके, और कुछ मरून जैसा शर्ट पहना था, यहीं से उसको मैंने जाते हुए देखा था सर। वो जानते हो कहाँ रहता है? हाँ साहब पता है, यहीं पास में एक बस्ती है, वहीं से अक्सर उसको मैंने आते जाते देखा है। हमें उसका घर दिखा सकते हो? हाँ सर। चलो आप लोग यहां पर कैसे?
ये सोने का सिक्का आपका है? हाँ मेरा है। कहाँ से मिला? मेरे बेटे के पास था। आपका बेटा कहाँ है? ए, हिलना नहीं। ए, 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 ए। तू कौन है? ताजमहल। बहुत हो गया, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे तुम। हाँ, चलो ले जाओ इसको, ले जाओ। चलो इन सबको जाओ। क्या हुआ साहब? शराब पीकर फिर इन्होंने कहीं कोई दंगा किया है क्या? अरे चुप कर, ये पुलिस मेरे लिए नहीं, तेरे बेटे के लिए है। क्या? ऋषि, क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन है ये सब? कहाँ लेके जा रहे हैं तुम्हें ये? आप इसे जानती हैं? जी हाँ, हम लोग शादी करने जा रहे थे। तो फिर आप भी हमारे साथ चलिए, आपकी शादी हम करवाते हैं। पकड़ो इसे। लीजिए, आपके होनहार सुपुत्र आ गए। बाप जिन्होंने कभी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे, आज उसे मुजरिम बना देख टूट गए। ऋषि से पूछताछ के बाद पुलिस को उसके सभी साथियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। के साथियों को दोषी करार मानते हुए आईपीसी की धारा 392 के तहत 8 साल की सजा सुनाई। ऋषि एक बहुत ही अकलमंद और तेज दिमाग वाला लड़का था, तभी तो बैंक लूटने की इतनी गहरी साजिश को रच पाया। काश उसने ये दिमाग सही दिशा में लगाया होता तो आज वो कुछ और होता। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बैंक लूट और डकैती की वारदातों में काफी बढ़ोतरी हुई है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 में कुल 23,393 मामले दर्ज हुए और वही बढ़कर साल 2011 में 24,700 हो गए। कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका कभी कोई अंत ही नहीं होता। इंसान की जरूरतें पूरी हो जाती है लेकिन लालच और लोभ की प्यास कभी नहीं बुझ पाती। इसलिए लालची और लोभी लोगों से खुद को दूर रखिए, सावधान रहिए और साथ ही साथ अपने अंदर के लालच को भी मार भगाइए, क्योंकि लालच के दलदल में जो एक बार फंसा उसका अंत सिर्फ बुरा ही होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग लेती ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।